आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नोएडा के ग्राम बालोलपुर में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर में भगवान की नई मूर्तियां स्थापित की गई। पिछले महीने मंदिर के अंदर अज्ञात लोगों द्वारा मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। गांव वालों की मौजूदगी में गांव का माहौल ठीक कर रहे। 21 अप्रैल 2022 को गांव वालों की सहमति के साथ मंदिर में नई मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर पर भंडारा किया गया, पंडित पुरोहितों द्वारा हवन किया गया, सर्व समाज ने प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर किसान नेता सुखबीर खलीफा उपस्थित रहे। बालोलपुर से जयवीर प्रधान भी उपस्थित रहे। नोएडा एसीपी अब्दुल कादिर, नोएडा सेक्टर थाना एसएचओ सर्वेश चंद भी मंदिर पर पहुंचे। न्यूज 9 भारत से ब्यूरो चीफ शिवपूजन शुक्ला के साथ नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हम सारे इसको अपना एक परिवार मानते हैं, हम मानते हैं, हमारा नारा रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई दुखी ना हो। तो निश्चित तौर पर हमारे विश्व में अभी जो धरोहर, हमारे देश की जो संस्कृति जिससे हम जिसके गुरु कहलाए, वो यही है कि हमने सबका मान सम्मान करा। तो जब जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो एक बहुत बड़ा दुख पहुंचता है और हमारे व्यवहार के, हमारे कल्चर के हिसाब से ये कहीं हमने फिट नहीं किया। जो लोग दूसरों को प्रताड़ित करते रहे हैं, जो लोग दूसरों को उत्तेजित करते रहे हैं या उनके विचार, परंतु हम उसी मानसिकता का, हमारा काम होना चाहिए सभी लोग ठीक ठाक रहने चाहिए। एक राजा का भी यही कर्तव्य है, सप्रजा नाम में हंडी नए धीरे पाल। ये चाणक्य बोलता जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, उन्होंने लिखा है कि एक राजा को अपनी प्रजा का पालन शांति से और दान से ही करना चाहिए, ना कि भेद से और दंड से। तो भेद की दंड की नहीं खत्म होनी चाहिए। आपस में ये जो घृणा का माहौल है, आपस में तोड़ का माहौल है, अरे अगर आप किसी को कुछ करना है, ये शासन प्रशासन का शासनकर्ता काम होता है, वो नीति बनाए और लोगों को जो है ठीक था आपस में प्यार रहना चाहिए। आपको जो कुछ करना हो कानून बनाओ, उसको फॉलो कराओ, सीधी सी बात करो। आपने देखा मेरे साथ रहे सुखबीर पहलवान जी, खलीफा बोलते हैं उनको, किसान नेता हैं। उन्होंने बड़ी बारीकी से अपनी बात रखी, बड़ी विनम्रता से बताया सामाजिक स्तर को कैसे देखा जाए। गांव के माहौल का जो सौहार्द था उसको बिगाड़ने का काम हुआ था, लेकिन फिर गांव अपने आप में सक्षम है। फिर से एक कवायद सामने आई है कि किसी का माहौल रहेगा, नई मूर्ति स्थापित की गई है और आगे सब लोग मिलते इस समय काम भी करेंगे। मैं कैमरामैन दीपक यादव के साथ नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा, धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।